हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोगों के नीट यूजी काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। जैसे कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, अब इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि आप लोगों को इसके लिए चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस यही करने वाले हैं कि आप लोग कौन कौन से कॉलेज को ऊपर रखेंगे और आप लोग कौन कौन से कॉलेज को नीचे रखेंगे अपने काउंसलिंग के चॉइस फिलिंग वाले ऑर्डर में। आप लोगों को स्टार्ट करना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, भले आप लोगों के उतने नंबर हो या ना हो कि आप लोगों को मेडिकल कॉलेज मिले गवर्नमेंट वाला या फिर ना मिले, लेकिन आप लोगों को सीक्वेंस वही रखना है जो सभी लोगों का रखते हैं कि पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहता है फिर उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो शुरू के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको आप लोगों को एज इट इज सीक्वेंस में रखना है, क्योंकि ये अपने रैंकिंग के हिसाब से यहाँ पे रखे गए हैं। सबसे पहला रहेगा अपना MGM इंदौर, उसके बाद हमें आएगा दूसरा नंबर पे GMC भोपाल, तीसरे नंबर पे हमें फिल करना है जबलपुर का मेडिकल कॉलेज NSCB जबलपुर, चौथे नंबर पे रखना है GRMC ग्वालियर, पांचवें नंबर पे रखना है श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के बाद हमें फिल करना होगा BMC सागर के बाद हमें रखना है विदिशा का कॉलेज जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है विदिशा में, हमें उसे फिल करना है क्योंकि विदिशा जो है तो भोपाल के बहुत पास में है, तो आप लोगों को जो सिटी फैक्टर का एडवांटेज होता है वो यहाँ पे मिल सकता है। विदिशा के बाद हमें फिल करना है रतलाम का मेडिकल कॉलेज, रतलाम के बाद फिल करना है हमें दतिया का मेडिकल कॉलेज, दतिया के बाद हमें फिल करना है खंडवा, और उसके बाद हमें आना है छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट में। छिंदवाड़ा के बाद आप लोगों को फिल करना है शहडोल का मेडिकल कॉलेज, फिर शहडोल के बाद आप लोगों को फिल करना है शिवपुरी मेडिकल कॉलेज, और उसके बाद लास्ट में आप लोगों को जो नया मेडिकल कॉलेज खुला है सतना में उसको फिल करना है। जो लास्ट की मेडिकल कॉलेजेस हैं उसको आप अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं कि आप लोगों को जहाँ सुटेबल लगेगा उनको आप रख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को उनमें डिफरेंस ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सब एक साथ के आसपास के मेडिकल कॉलेज खुले हैं तो नए पुराने का भी डिफरेंस इसमें नहीं है। बस आप लोगों को सतना का जो मेडिकल कॉलेज है जो इस साल से खुल रहा है उसको लास्ट में रखना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोगों के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए करेक्ट चॉइस फिलिंग का क्या ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों को फिल करना है अरविंदो जो है अपना इंदौर में, फिर अरविंदो के बाद हमें फिल करना है IDGaardi जो कि उज्जैन में है। IDGaardi मेडिकल कॉलेज की जो फीस है बहुत कम है, जो अपना ट्यूशन फीस के अलावा भी जो अदर खर्चे हैं वहाँ पे बहुत कम लगते हैं, इसलिए बच्चे इसको सेकंड ऑर्डर पे रखते हैं। IDGaardi के बाद हमें मिलेगा चिरायू मेडिकल कॉलेज। चिरायू मेडिकल कॉलेज के अंदर इस ईयर 100 सीट्स और ऐड हुई हैं, तो आप लोगों को इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। चिरायू के बाद हमें फिल करना है पीपल्स मेडिकल कॉलेज। पीपल्स मेडिकल कॉलेज के बाद हमें फिल करना पड़ेगा एलन मेडिकल कॉलेज जो भोपाल का है, जो आपके टॉप ये 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें आपको सीक्वेंस एज इट इज रखना है। बाद के मेडिकल कॉलेज के अंदर आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से अपना जो है तो चॉइस फिलिंग बना सकते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को जहाँ पे ज़्यादा सहूलियत लगे आप लोग उसी हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को जो सीक्वेंस बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप चूज करेंगे तो आप लोगों का गलत नहीं रहेगा। तो इनमें आप लोगों को भरना है पहले इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जो अपना इंदौर में है। इस ईयर इंडेक्स के अंदर 100 सीट्स को कम कर दिया गया है। फिर इंडेक्स के बाद आप लोगों को भरना है अमलतास मेडिकल कॉलेज जो कि देवास में है। अब कुछ बच्चों का ऐसा रहता है कि अमलतास मेडिकल कॉलेज जैसे देवास में है तो उनको देवास एक बहुत गाँव वाली जगह लगती है या मतलब थोड़ा अंडर डेवलप जगह लगती है, तो आप लोग इसको RKDF में जो कि भोपाल में है या फिर जो अपना LN City इंदौर में है उसको चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ हिसाब से आप थोड़ा ऊपर नीचे सफलिंग कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। फिर अमलतास के बाद हमें फिल करना होगा RKDF मेडिकल कॉलेज भोपाल का, और फिर RKDF के बाद हमें फिल करना है LN City मेडिकल कॉलेज जो है अपना इंदौर में है। LN City के बाद आप लोग फिल कर सकते हैं सुख सागर मेडिकल कॉलेज जो कि जबलपुर का है, और सुख सागर के बाद हमें फिल करने होंगे 2 मेडिकल कॉलेज जो कि भोपाल के रहेंगे। पहला रहेगा महावीर इंस्टीट्यूट और लास्ट में आएगा हमारा जो अपना नया मेडिकल कॉलेज खुला है रामकृष्ण मेडिकल कॉलेज भोपाल का। जो लास्ट के कॉलेजेस हैं आप लोग उसको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं कि आप लोगों को जो पास में लगे आपके घर से उसके हिसाब से आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं इसमें, या फिर आप लोगों को जिस सिटी में रहना है या फिर कुछ लोगों के रिलेटिव्स होते हैं उस सिटी के अंदर तो बच्चे उस हिसाब से अपना चूज कर सकते हैं। तो आप लोग उस चीज़ के लिए मतलब कोई बाउंडेड नहीं है कि आप लोग यही चॉइस फिलिंग ऑर्डर रखें नीचे वाले कॉलेजेस के अंदर, लेकिन हाँ मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऊपर वाले कॉलेजेस के अंदर जो है तो यही चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रखें, क्योंकि जो इसका कट ऑफ जाता है इसी के अकॉर्डिंग ही आता है। अगर आप लोगों के कोई डाउट है
तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं आप हमें टेलीग्राम पे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों से कोई अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।